ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं पारुल सिंह, रुक करती हूँ कुछ खास खबरों पर। खबर जालौन से है, जहां सवारी बैठाने को लेकर ऑटो चालक आपस में लड़ गए हैं। इस दौरान उनके बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान एक ऑटो चालक ने दूसरे के ऊपर हाकी से हमला कर दिया है, जिससे उसके सिर में चोट लग गई और लहूलुहान हो गया। उसके सिर में गंभीर चोट आ गई। इस मारपीट को देखते हुए लोग दहशत में आ गए और उनका हुजूम उमड़ पड़ा, जिन्होंने दोनों को अलग करने का प्रयास किया, मगर ऑटो चालक आपस में लड़ते रहे। इस बीच लोगों ने उनकी मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं इस घटना के बारे में जालौन कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है, हम इस घटना की जानकारी ले रहे हैं। अगली खबर चित्रकूट से है, जहां चार चोरों का खुलासा नहीं और पांचवी चोर ने दस्तक दे दी है। मामला मऊ कोतवाली अंतर्गत मऊ कस्बे का है, जहां यह 7 दिन से के अंदर 4 चोरियां हुई है, जिसमें से एक भी चोरी का पुलिस ने अभी तक खुलासा नहीं किया है। वहीं मैदान कस्बे से डायल 112 नगर में कार्यरत होमगार्ड कर्मचारी के घर में रात अज्ञात चोरों ने छत का दरवाजा तोड़कर 6 लाख के जेवर व 1 लाख रुपए की नकदी चोरी की है। अब सवाल पुलिस पर खड़े हुए हैं, चोरों के हौसले बुलंद होने से चोर पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। मऊ थाना क्षेत्र के मैदाना कस्बे का पूरा मामला बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? राजा पांडे। थाना कौन सा है? मऊ। क्या घटना हुई है? रात में अज्ञात चोरी कर गए घर में। तो क्या घर पे कोई नहीं था? क्या घर में कोई नहीं था। कल आज त्योहार थी, हर छठ की, तो सभी लोग गांव चले गए, तो रात में आज मौका पाए तो चोरी ले गए। तो अभी तक कोई शिनाख्त या कुछ नहीं, पता नहीं चला। तो प्रशासन की तरफ से कौन कौन आया? प्रशासन से प्रशासन को अवगत कराया गया जी, क्योंकि 112 भी आ चुकी है और देख सुन के थाना बुलाया गया। हार था, कान का था, कमर का था, बेटी था, पैर का था, पायलों के विषय उच्छे सभी थे, अंगूठी थी, जंजीर थी, लगभग 6.5-7 लाख रुपये। आप देख सकते हैं वीडियो में अज्ञात चोरों द्वारा जो है यहाँ घर में कल कुछ सब लोग चले गए थे गांव हर छठ के पूजने के लिए। यहीं पे देखिए रात में घुसकर चोरों ने अलमारी तोड़कर पूरा जेवरात और कैश यहां से चोरी कर ले गए। क्या नाम है आपका? अगली खबर रायबरेली से है, जहां जनपद में शिक्षक बेलगाम हुए हैं। बता दें कि शिक्षक ने कक्षा 11 के छात्र को बेरहमी से पीटा है। मामला से सिद्धनाथ शुक्ला वीड़ा पाड़ इंटर कॉलेज 7वां का है, जहां कक्षा 11 का छात्र शुभम को सूरज नाम के शिक्षक ने बेरहमी से पीटा है। छुट्टी के बाद घायल अवस्था में जब घर पहुंचा, शुभम को देखकर उसकी मां घबरा गई। मां के पूछे जाने पर शुभम रोते हुए अपनी आप बीती बताई। पुत्र की ऐसी हालत देख मां से रहा नहीं गया। शिकायती पत्र लेकर थाने पहुंची तो थाने में मौजूद पुलिसकर्मी शिकायत दर्ज करने के बजाय कानूनी पाठ उल्टा पढ़ाने लगे। कहा, जाओ माफी मांग कर घर बैठो। पीड़ित छात्र ने बताया कि दोष इतना था कि भोजन अवकाश समय फिंगर खा रहा था, तभी अचानक मेरे हाथ से पॉलिथीन छूट गई। हमारे हाथ से पॉलिथीन छूट जाना शिक्षक को नकारा लगा। तभी सूरज नाम के शिक्षक ने हमारे बाल पकड़कर सिर को दीवार में कई बार लड़ाया, जिससे हम गंभीर रूप से घायल हो गए और खून बहता देखकर कॉलेज के प्रिंसिपल त्वरित कक्ष में ले गए। उन्होंने 500 रुपये देते हुए कहा कि दवा करा लेना, किसी से मत बताना, घर में माता पिता से कहना, रास्ते में चोट खा गए हैं, जो भी दवा में खर्चा आएगा मैं दे दूंगा। स्कूल में सर घटना हुई। कहाँ पढ़ते हैं आप? श्री ग्रामीण सताव कॉलेज, श्री सिद्धनाथ वीड़ा पाड़ इंटर कॉलेज। अच्छा, वहाँ पर सर हम लोग फिंगर लेने गए थे और फिंगर ला के क्लास में बैठ के खा रहे थे और पॉलीथिन वहीं पर रह गए थे, बाद में हम भूल गए थे और बाद हम लोग क्लास में चले गए। वहाँ सर है कि पॉलीथिन किसने बहाई, हम कहें सर हमने बहा दे रहे हैं।
सर ने फिर कहा बहाओ, फिर बाद में मारने लगे और हमारे देवन लड़ा दिया, वो मारने लगा, वो खोपड़ी में चोट लग गए। सर दो बार लड़े थे, दो बार मारे और चार पांच घूंसे मारे और इसको भी मारे थे, मेरे दोस्त को भी। मामला ये हुआ था, ये जो बता रहा है यही हुआ था, लेकिन वो जो मारे ना वो हमें भी मारे थे, मारे थे। तो आपको दीवार पे नहीं लड़ा? हमें लड़ाते रहे लेकिन हम हाथ लगा लिए थे। चोट लगा हुआ तो? हाँ, मारा तो हमने लेके गया था। तो थाने गई थी क्या? हाँ। क्या बताया? वो कहन कुछ भी नहीं गए हैं। क्या बोले हैं? तो कुछ भी कहे नहीं भाई, कहन सुन ले लिए। हाँ, कहन दवा पानी कह के यहाँ सोच लो सुलह हो जाओ, यहाँ का यहाँ आगे बढ़ो। स्कूल में सर घटना हुई, अगली खबर बहराइच से है, जहां आदमखोर भेड़ियों के हमले में अब तक आधा दर्जन मासूमों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद वन विभाग सहित प्रशासनिक अधिकारी में हड़कंप मचा हुआ है। एक के बाद एक आदमखोर भेड़िये मासूमों का शिकार कर रहे हैं, जिस वजह से तीन दर्जन से अधिक गांव में कोहराम मचा हुआ है। ड्रोन कैमरे की मदद से उनकी तस्वीरें कैद हुई है, जल्द ही गाँव वालों को आदमखोर भेड़िये से निजात मिल जाएगी। वन संरक्षक लखनऊ इस पर नजर बनाए हुए है, लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इस आदमखोर खूंखार जानवरों को पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों से टीम बुलाया गया है। जिस इलाके में जानवरों के हमले में बच्चों की मौत हुई है, वहां मुआवजा भी दिया गया है। कहा है कि बहुत ही जल्द सभी जानवर को पिंजरे में कैद कर लिया जाएगा। जिला अधिकारी अपनी नजर बनाए हुए हैं, जल्द ग्रामीणों को आदमखोर भेड़ियों से निजात मिल जाएगा। अगली खबर लखनऊ से है, जहां फायर वर्कर्स डीलर वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का दो दिवसीय अधिवेशन लखनऊ में संपन्न हुआ है। अधिवेशन के पहले दिन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फायर वर्कर्स ट्रेडर्स एसोसिएशन का गठन हुआ है, जिसमें रजनीकांत महेश्वरी कासगंज और मनीष गुप्ता लखनऊ के संरचनक, हैदराबाद को राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हापुड़ के महासचिव और अखिलेश चंद्र गुप्ता को सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। संपूर्ण भारतवर्ष से आए पटाखा व्यापारियों के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। उप मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फायर वर्कर्स ट्रेडर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में पहुंचकर देश और प्रदेश के पटाखा व्यापारियों की समस्याओं को सुना है और उन्होंने सभी समस्याओं के समाधान करने और व्यापारियों के साथ खड़े रहने का आश्वासन फायर वर्कर्स डीलर एसोसिएशन को दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है फायर डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ से, जिसमें शासन प्रशासन के कई मंत्री थे। आइए हमारे साथ महासचिव जी हैं, उनसे जानते हैं किस तरह का पूरा कार्यक्रम था और क्या मुख्य विषय था जो सम्मानित किए गए लोग। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वार्षिक अधिवेशन हुआ है और यहाँ पे शासन के कुछ मंत्री भी आए हुए थे, किन लोगों को सम्मानित किया गया है, किस विषय में किया गया? हमारा ये वार्षिक अधिवेशन हर वर्ष प्रत्येक वर्ष होता है और ये अधिवेशन साल में एक बार किया जाता है। इस आज के सम्मेलन के अंदर माननीय सुरेश खन्ना जी, माननीय नंद कुमार नंदी जी प्रदेश सरकार के मंत्री, माननीय महेश्वरी जी, रजनीश महेश्वरी जी जो कि वर्षी हैं, और माननीय मनीष गुप्ता जी जो कि व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, वो चार लोग आमंत्रित सदस्य हमारे थे। चारों लोगों को सम्मानित किया गया। सुरेश खन्ना जी और नंद कुमार नंदी से ये मांग रखी गई प्रदेश की तरफ से कि जब एक्ट में शासन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक महीने का टेम्परेरी लाइसेंस देने की व्यवस्था है, दीपावली में दिया जाता है। दीपावली का त्यौहार पूरे भारतवर्ष के अंदर बड़ी प्रफुल्लता से मनाया जाता है, इसलिए उस त्यौहार पर कम से कम 28 दिन का लाइसेंस या 20 दिन का लाइसेंस दिया जाए, जबकि एक्ट के अंदर प्रोविजन है। उन्होंने कहा सरकार से विश्वास विचार करके जल्द से जल्द मिलेगी और प्रदर्शन वो सफल हुआ। 75 जिलों से प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए थे और करीब करीब 800 व्यापारी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए और देश प्रदेश के अलावा भारत देश के 20 प्रांतों से भी व्यापारी प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए हुए।
जैसे कि आपने बताया कि कुछ समस्याएं थी, अभी आपका अधिवेशन संपन्न हुआ है, महासचिव चुने गए, तो मुख्य क्या प्राथमिकता रहेगी जो व्यापारियों के कुछ और समस्याएं हैं उनको लेकर किस तरह आप कार्य करेंगे? नहीं, प्रशासन को अपनी समस्याओं से हम लोगों ने अवगत कराया और दोनों मंत्रियों जी ने कहा कि आप हमको फिर पुनः जब जब हमको आप याद करोगे हम पूरी तरह से आपकी सहायता करेंगे और आपकी सारी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराया जाएगा। अच्छा, जैसे बात कर लें मुख्य क्या समस्याएं हैं जो व्यापारी हैं, जो फायर डीलर हैं, उनकी मुख्य क्या समस्याएं होती हैं? नहीं, आज के समय प्रदेश भर की समस्याएं मुख्य हैं। बहुत जगह जिलाधिकारी लोग लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कर रहे हैं, बहुत जगह जिलाधिकारी लोग जो है लाइसेंस की मात्रा सही नहीं लिख रहे हैं, बहुत जगह जिलाधिकारी महोदय शहर के बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। और लखनऊ में तो कोई समस्या नहीं है, मगर और समस्याएं इस तरह की थी, मगर मेन समस्या ये थी आने वाला दीपावली का त्यौहार बढ़िया से बढ़िया हो, सबका व्यापार बढ़िया से बढ़िया चले, ये मेन समस्या थी कि वही उसको समस्या का समाधान करने के लिए माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया। सर, और कुछ यहाँ पे सम्मान किए गए थे, किस विषय में किए गए थे और किनके ऊपर? नहीं, हम अपने 75 साल के ऊपर के दो व्यापारियों का सम्मान हमारे मंत्री जी ने किया है और मंत्री जब हमारे मंत्री आएंगे उनका सम्मान करेगा। सर, आज के जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से व्यापारियों के क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से आपको? व्यापारी लोग इसको यही संदेश है कि दीपावली उपस्थित संपन्नता से व्यापार करें, सुरक्षा के साथ पूरी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए ग्रीन पड़ाके जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बनाए गए हैं आदेश है उसके ग्रीन पड़ाकों को बेचें, उनके बेचने में शासन प्रशासन कोई किसी प्रकार की समस्या न पैदा करे उसकी चिंता व्यापार मंडल करेगा। समस्याएं मुख्य हैं, बहुत जगह जिलाधिकारी लोग लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कर रहे हैं, बहुत जगह जिलाधिकारी लोग जो है लाइसेंस की मात्रा सही नहीं लिख रहे हैं, बहुत जगह जिलाधिकारी महोदय शहर के बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। और लखनऊ में तो कोई समस्या नहीं है, मगर और जो समस्याएं इस तरह की थी, मगर मेन समस्या ये थी आने वाला दीपावली का त्यौहार बढ़िया से बढ़िया हो, सबका व्यापार बढ़िया से बढ़िया चले, ये मेन समस्या थी कि वही उसको समस्या का समाधान करने के लिए माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया। सर, और कुछ यहाँ पे सम्मान किए गए थे, किस विषय में किए गए थे और किनके ऊपर? नहीं, हम अपने 75 साल के ऊपर के दो व्यापारियों का सम्मान मंत्री जी ने किया है और मंत्री जब हमारे मंत्री आएंगे उनका सम्मान करेगा। सर, आज के जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से व्यापारियों के क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से आपको? व्यापारी लोग इसको यही संदेश है कि दीपावली उपस्थित संपन्नता से व्यापार करें, सुरक्षा के साथ पूरी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए ग्रीन पड़ाके जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बनाए गए हैं आदेश है उसके ग्रीन पड़ाकों को बेचें, उनके बेचने में शासन प्रशासन कोई किसी प्रकार की समस्या न पैदा करे उसकी चिंता व्यापार मंडल करेगा। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ वरिष्ठ उनके द्वारा बताया गया कि कुछ जो मुख्य समस्याएं होती हैं जो फायर डीलर लोग व्यापारी होते हैं उसको लेकर शासन प्रशासन को अवगत किया जाएगा और आज इनके द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया है, जो शासन के कुछ मंत्री आए हुए थे यहाँ पे उनको ज्ञापन दिया गया है कि ये समस्याएँ आती हैं इसका जल्दी से जल्दी निवारण किया जाए। और इनका सिर्फ एक ही पूरा साल भर में मौका आता है दिवाली का, जिसमें सारे व्यापारी अपने दुकानें लगाते हैं, उसी से पूरा साल भर का खर्चा चलता है। साथ ही कुछ जो इनके इन्हीं के जरिए जो इनके यहाँ काम करते हैं उनका एक परिवार इसी से चलता है, तो अगर सरकार की तरफ से इन लोगों की सुविधाएं मिलेंगी तो उससे इनको बहुत आराम मिलेगा, जैसे कि इन्होंने भी हमसे बताया। लखनऊ से KKD News के लिए सुभाष चंद्र, नमस्कार। आप